सो लीजा, आज मैं आपको सिखाऊंगी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मैथ्स के अंदर लेट्स अंडरस्टैंड फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट। नंबर मतलब 235672 या 235672, दिस इज ए नंबर। एंड द वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, डिजिट मतलब इसमें से कोई भी एक डिजिट, अगर 6 को बोलेंगे तो 6 एक डिजिट है, 5 को बोलेंगे तो 5 भी एक डिजिट है, और इस पूरे को अगर बोलेंगे तो ये एक नंबर है। ओके ओके। सो जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है उस डिजिट की, वो डिजिट का जो डिजिट की जो खुद की वैल्यू है वही होती है। तो बेसिकली एग्जाम्पल, कंसिडर द नंबर 235672। द गिवन नंबर हैज 6 डिजिट्स, कैसे 2, 3, 5, 6, 7, 2, कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर? 6। वी से द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 बिकॉज द नंबर इटसेल्फ, जो डिजिट है उसकी खुद की जो वैल्यू होगी वही फेस नंबर होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि दी फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, दी फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, दी फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, दी फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, दी फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेस वैल्यू? यस। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी इन योर ओन वर्ड्स? फेस वैल्यू हैज द सेम वैल्यू दैट अ नंबर has of the digit, like face value. फिर से बताओ। Face value will have the same value as the number itself. Now, second is place value. The place value of a digit in a number. जो face value, जो place value होती है, वो number के अंदर एक digit की होती है. Okay? Number की पूरे की नहीं होती. नंबर के अंदर एक डिजिट की होती है कि वो उस नंबर के अंदर उसकी प्लेस वैल्यू क्या है या उसकी फेस वैल्यू क्या है। ओके। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर डिपेंड्स अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर के अंदर, किसी डिजिट की, अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कौन से प्लेस पे है। ओके ओके। डू यू नो व्हाट इज प्लेस वैल्यू चार्ट? यस। सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक। हेयर इज द नंबर, नंबर हमेशा लेफ्ट से राइट में लिखा जाता है। ओके यस। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले 2, 7, 6, 5, 3, 2, 1। आप मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमको 4 टाइम्स की वो कौन सी प्लेस पे है, जैसे कि अभी ये 10,000 की, सॉरी 1,000 की प्लेस में, तो 4 टाइम्स 1,000 करना पड़ेगा, मतलब कि आंसर है 4,000। ओके, सो यू अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू? यस। So the place value of 1 is 10 lakh. Okay. How you write? 1 0 0 0 0 0. Yes. So now you tell me the face value of, so now you tell me the face value of 2. 2. And face and place value of 2? 2 lakhs. कैसे लिखेंगे? 2 0 0 0 0 0. The face value of 3 is? 3. The place value of 3 is? 30,000. Okay. And the place value of 6 is? Place value of 6 is? Sorry, 5 is. Five.
आई एम आस्किंग प्लेस वैल्यू नॉट फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज 5000 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज टू. द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज 70. ओके. सो कैन यू टेल मी इफ इफ अगर यहाँ पे जीरो होता तो उसकी जीरो की फेस वैल्यू क्या होती. जीरो. और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती. जीरो. क्यों. क्योंकि वहां पे क्योंकि अगर आप यहाँ पे 100 होगा आपको प्लेस वैल्यू से 100 को मल्टीप्लाई करना होगा. अगर जीरो टाइम्स 100 इक्वल्स टू जीरो बिकॉज़ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो. सो बेसिकली अगर आप मेंटल मैथ की बात करें तो अगर किसी भी नंबर का कोई भी अगर यहाँ पे नंबर में कहीं पे भी अगर जीरो है नंबर के अंदर अगर कहीं पे भी जीरो है तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होगा. इज इट राइट. Yes. The place value of 0 is always 0, whatever place it occupies in the place value chart. So Lisa, now you can solve this. मतलब place value है ना. आंसर सही है. नहीं बेटा यहाँ पे ना प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट प्लेस प्लेस पूछा है. प्लेस वैल्यू यहाँ पे पूछी है. प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट तो जो आपने ये लिखा है ये यहाँ पे आएगा. वहां पे सिर्फ प्लेस पूछा है कि वंस पे है टेंस पे है थाउजेंड्स पे है. हाँ वैसे पूछा. मैं लिखूं 1 लाख. वेरी गुड.